हेलो स्टूडेंट, आई एम सचिन गोयल, मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं कराया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे कि आपको वीडियोज़ की अपडेटिंग मिलती रहे। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा, 2.5 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9.5 एक्सरसाइज। 9 का फर्स्ट पार्ट, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, तो इसे मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये LHS होती है और ये RHS। हम RHS को लेकर चलेंगे। RHS इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे x की x स्क्वायर में x क्यूब माइनस x की एक्स वाई में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर y की इसमें प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3। एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। LHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। सेकेंड पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। RHS लेके चलेंगे इसमें, ये इक्वल टू है। RHS इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे x की x स्क्वायर में x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3। एक्स स्क्वायर वाई से ये कैंसिल आउट हुआ, एक्स वाई स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ। एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू LHS। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर टेन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 इज फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज। क्या करना है इसमें, फैक्टराइज 27 y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर 3। इसमें आइडेंटिटी यूज होगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। इसे हम लिख सकते हैं 3y की पावर 3 प्लस 5z की पावर 3। यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है बट यहां पे 3y, तो यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। एक्स के स्थान पर 3y प्लस 5z, फिर 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 3y प्लस 5z, 3 3 9 y स्क्वायर माइनस 5 3 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर इज राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। 64 को हम लिख दें 4m की पावर 3 माइनस 7n की पावर
थ्री, ठीक है। अब इसमें भी आपको आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कौन सी लगेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप बताइएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे आप लोग 4m और y की वैल्यू 7n पुट करने पर इसमें, तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर, डन। तो 4m माइनस 7n, 4 फोर जा 16 एम स्क्वायर प्लस 7 फोर जा 28 mn प्लस 7 जा 49 n स्क्वायर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27 एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये प्रॉपर्टी बनेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये प्रॉपर्टी यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। आपको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे 3x, यहां पे पुट करने पर x के स्थान पे 3x प्लस y के स्थान पे y रहेगा और z के स्थान पे z, x के स्थान पे 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x इंटू y माइनस y इंटू z माइनस z इंटू x इज इक्वल टू 3x प्लस y प्लस z, 3 जा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस zx इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा, तो RHS को लेकर चलेंगे। RHS इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व इट, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें प्रॉपर्टी ओपन कर दो इसकी, a माइनस b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। तो वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ऐसी ही टू वाई स्क्वायर टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं टू, जो कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। टू से टू कैंसिल आउट, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज राइट आंसर। कंप्लीट 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, आपको प्रूव करना है ठीक। तो ओनली इसका यूज करके आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो ध्यान से देखें सॉल्यूशन। वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो ठीक, इस वैल्यूज को इधर टर्न कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस जेड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड डन ठीक है। तो इसको क्या करें, दोनों साइड का क्यूब कर दो क्योंकि मुझे क्यूब यहां पे चाहिए x की पावर थी। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड देन एक्स प्लस वाई की पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस जेड की पावर थ्री। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड की पावर थ्री ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू स्टार्टिंग में है वो लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू है माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब सिंस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाली वैल्यूज उधर टर्न हो जाएगी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड हेंस प्रूव्ड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट एक्चुअल क्यूब, बिना क्यूब करे आपको माइनस 12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 इसको सॉल्व करना है, लेकिन क्यूब विदाउट क्यूब, इनका क्यूब नहीं करके दिखाना आपको ठीक है। तो करेंगे इसको आप लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। अब हम अभी जो प्रॉपर्टी मैंने सॉल्व करी थी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे, अगर जीरो आ गई तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड आप फाइंड करेंगे, x की वैल्यू माइनस 12 प्लस y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 7 प्लस 5 तो माइनस 12 प्लस 12 12 12 से कैंसिल करा जीरो। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो तो देन
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो x की वैल्यू कितनी, माइनस 12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। तो माइनस 12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 इज इक्वल टू, इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका माइनस 1260 इज राइट आंसर। डन। इसका सेकंड पार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3, तो इसको भी लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 28 एंड y इज इक्वल टू माइनस 15 एंड z इज इक्वल टू माइनस 13। सिंस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 28 माइनस 15 माइनस 13, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 28 माइनस 28 कैंसिल आउट, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। जब x प्लस y प्लस z 0 हो जाता है तो आइडेंटिटी लगी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, और 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3 इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16380। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट, आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया इज 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो क्या हो सकता है, इसकी पहले आप फैक्टर कर लें। इसके क्या कर लें बेटा, फैक्टर कर लेंगे। तो 25 और 12 के फैक्टर जो होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा, इसके 25 की मल्टीप्लाई 12 में, तो 5 5 2 2 3, 20 और 15, 25a² देखो ऐसे आइडिया लगा लेते हैं, इसके फैक्टर कर लो 25 के फैक्टर हुए 5 इंटू 5, 12 के फैक्टर हुए 2 2 4 3 12, तो 5 3 15, 5 2 10 2 20, 20 और 15 35 होते हैं। तो माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 कॉमन लेंगे इसमें से, 2 2 के पेयर्स बना के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको। 5a हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, 5a माइनस 4, माइनस के 3 कॉमन लिया तो 5a माइनस 4 सेम आ गया। ठीक है, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3, 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। तो फिर ये लेंथ, ये कह रहा है ना लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ये हो गया एरिया। क्या है ये एरिया, तो एक बार तो लेंथ आ गई हमारी 5a माइनस 4, तो ब्रेथ होगी 5a माइनस 3। एक बार लेंथ 5a माइनस 3, तो 5a माइनस 4 इज राइट आंसर। ऐसे सेकंड पार्ट इज 35y² प्लस 13y माइनस 12, ये भी ऐसी है, एरिया हमें गिवन है तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो इसके फैक्टर देखिएगा, 35 है, 35 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 7 और 12 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3,
टू इंटू टू इंटू थ्री, तो 13 लाना है हमें, 5 3 15, 7 2 14 2 28, 28 में से 15 गया 13, ठीक है। इस प्रकार आप करके देख सकते हैं। तो 35y² + 28y - 15y - 12, इसमें से हमने कॉमन लिया 7y, क्या कॉमन लेंगे 7y, तो 5y + 4 माइनस के 3 कॉमन ले लिया, 3 5 = 15 + 3 4 = 12, ये सेम आ गया। तो 5y + 4 7y - 3, देन ये हो गया एरिया। तो लेंथ एंड ब्रेथ 5y + 4 7y - 3, तो 7y - 3 एंड 5y + 4 इज राइट आंसर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है हमको 3x² - 12x। इस वॉल्यूम से हमें उसके डायमेंशन निकालने, डायमेंशन होती है लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसके आपके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसमें से आप कॉमन ले लो, फैक्टराइज कर लो इसका। 3 और x मैंने ले लिया कॉमन, 3 और x लिया कॉमन, क्या बचा x - 4, ठीक है। तो इसमें भी आप लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट तीन फैक्टर हैं। देखो लेंथ तो 3 हो गई, ब्रेथ हो गई x, हाइट हो गई x - 4, या फिर लेंथ हो गई 3, ब्रेथ हो गई x - 4 और हाइट हो गई x। तो आपके लेंथ कितनी, हाइट कितनी हो जाएगी 3, ये x - 4 और ये हो गई x। आंसर कैसे भी हो सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड आउट। लास्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट वॉल्यूम 12ky² + 8ky - 20k, ठीक है। तो इसके भी आपको फैक्टर करने, फैक्टर के लिए पहले कॉमन ले लो इसमें से। तो इसमें से जो कॉमन आएगा, देखिएगा के देखो सब में से कॉमन आ सकता है, और 12, 8 और 20 में से 4, तो मैंने 4 के कॉमन ले लिया, क्या लिया 4 के कॉमन, क्या बचा 3y² + 4 2 8 यानी कि 2y - 4 5 15 4 5 20 4 5 20 4 5 20 4 2 8 4 3 12। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे आप लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 4k 5 3 15, 5 में 3 गया 2 हो गई। तो 3y² + 5y - 3y - 5, 4k इसमें से कॉमन ले लेंगे y, क्या बचा 3y + 5, इसमें से कॉमन ले लेंगे -1, तो 3y + 5, 3y + 5 देखो कॉमन आ रहा है, 4k 3y + 5 और y - 1, देन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये डायमेंशन होती है। अगर लेंथ 4k है तो ब्रेथ 3y + 5 है या y - 1। अगर आपकी लेंथ चेंज हो रही है, 3y + 5 लेंथ इस बार और हाइट y - 1 और लेंथ 4k, अगर लेंथ 4k है तो y - 1 और 3y + 5, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं कंप्लीट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो सो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें।
अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको और भी वीडियोस की अपडेटिंग मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।